झांसी में जिले भर में होली सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली। विभिन्न थानों में पुलिस कर्मियों ने होली खेलते हुए अबीर और रंग गुलाल उड़ाए। पुलिस लाइन के मैदान में आयोजित होली उत्सव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा तथा जिलाधिकारी रविंद्र कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवानों ने डीजे की धुनों पर जमकर डांस किया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि सभी पुलिस कर्मियों को मर्यादा में रहकर होली मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस कर्मियों से कहा गया कि वह कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे विभाग की छवि पर कोई असर पड़े। उन्होंने कहा कि जिले भर के थानों में पुलिस कर्मी होली का उत्सव मना रहे हैं, पूरे जिले में शांति व्यवस्था भी कायम है। जनपद में होली और सवेरा त्यौहार सकुशल संपन्न हुए हैं और सतर्कता के लगातार निर्देश दिए गए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा भी होली मनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सबको निर्देशित किया गया है कि कोई मर्यादाओं का उल्लंघन न करे, कोई ऐसा काम न करे जिससे विभाग के छवि पे कोई असर पड़े। सर्वत्र कुशलता है, सर्वत्र शांति व्यवस्था कायम है। झांसी में सुबह की शुरुआत होली के रंग गुलाल और गुजिया के साथ हुई, तो वहीं शाम होते होते हलवा खिलाते हुए शबे बारात मनाया गया। सुबह लोगों ने प्रेम और सौहार्द से होली खेली तो शाम को अपने बुजुर्गों को याद करते हुए अल्लाह से अपने कर्मों और अपने गुनाहों की माफी मांगी। जहां सुबह से पूरा झांसी रंगीन हो चुका था तो शाम होते होते झांसी के प्रेम नगर में कब्रिस्तान में सभी मुसलमान भाइयों ने दुआएं मांगी और अपने बुजुर्गों को याद किया। शबे बारात को इबादत का त्यौहार कहा जाता है, इसे प्रार्थना की रात भी कहा जाता है। त्यौहार के नाम से दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब का अर्थ है कि रात और बारात का अर्थ है मासूमियत। शबे बारात रात में मुसलमान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआएं मांगते हैं। इसके अलावा अपने किए गुनाहों से तौबा भी करते हैं। शबे बारात के मौके पर कई मुसलमान दो दिन का रोजा भी रखते हैं। मान्यता है कि शबे बारात में इबादत करने वाले सभी लोगों के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, इसलिए लोग पूरी रात जाग कर शबे बारात में अल्लाह को याद करते हैं और अपने किए गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। झांसी से मोहम्मद साहब की रिपोर्ट। मानव विकास सेवा संस्थान के तत्वाधान में प्रत्येक माह की 19 तारीख को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को सलामी देने संगठन के लोग आते हैं। इसी क्रम में आज सदर बाजार में स्थित उनकी प्रतिमा पर सलामी दी गई। बताते चले कि झांसी रानी का जन्म 19 नवंबर को हुआ था, जिसे मानव विकास सेवा संस्थान हर माह की 19 तारीख को मनाते हुए उन्हें याद करता है। पिछले 4 वर्ष पूर्व सदर बाजार चौराहे पर रानी झांसी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका ने बताया कि 4 माह पहले कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माह की 19 तारीख को रानी झांसी की प्रतिमा पर सलामी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में रानी झांसी के जन्मदिन को प्रतिमाह याद रखना तथा रानी झांसी के बलिदानी जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा देना है। मानव विकास संस्थान ने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि रानी की जो जन्म तिथि होती है 19 तारीख प्रतिमाह उसको सलामी देने के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित होते हैं। इसी कड़ी में मार्च में 19 तारीख की सलामी आज शनिवार को यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तले मानव विकास संस्थान ने यहाँ दी। वही झांसी के गरौठा में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा पत्रकारों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। गरौठा के ग्राम निपान में ग्राम प्रधान संजय राजा परमार के आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा गरौठा क्षेत्र के पत्रकारों व कोतवाली पुलिस गरौठा को सम्मानित करते हुए रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई दी गई। कार्यक्रम में अबीर गुलाल लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी गई, साथ ही समस्त पत्रकारों को शॉल व श्रीफल एवं मिष्ठान देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे गरौठा कोतवाली सब इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव सहित पुलिस टीम को भी सम्मानित किया गया है। गरौठा से हेमंत यादव की रिपोर्ट।